हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा सिंधियन किचन में। तो आज हम बनाएंगे हंडी पनीर, जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। और इसे आप नान के साथ या रोटी पराठे या चावल के साथ भी सर्व कर सकती हैं। और हमारी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं हंडी पनीर। आज हम बनाएंगे हांडी पनीर, तो देख लेते हैं हांडी पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम आधा केजी पनीर लिए हैं, एकदम फ्रेश पनीर है। इसे हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है, आप जैसा चाहें वैसा शेप दे सकती हैं। और 6 टमाटर बड़े साइज के लिए हैं, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। और 3 मीडियम साइज के प्याज है, जिसे हमने चॉपर में फाइन चॉप कर लिया है। तो हमने 2 चम्मच बड़े चम्मच क्रीम है, क्रीम कम था तो उसके लिए हमने 1 मुट्ठी काजू को फुलाकर इसका फाइन पेस्ट बना लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। और तड़के के लिए लिया है 1/2 टीस्पून जीरा है, 4 हरी इलायची, 6 लौंग है, 4 तेज़पत्ता, 10 से 12 गोल मिर्च है, और 1 बड़ी इलायची है काली वाली। और सूखे मसाले हैं, जिसमें हम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो कस्तूरी लाल मिर्च ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। और धनिया पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच जीरा पाउडर, और लहसुन और सूखे मिर्च का 10 से 12 कलियाँ लहसुन, और 2 सूखे मिर्च का हमने पेस्ट बनाया है, जितना लगे उतना लेंगे हम। और सरसों का ऑयल लिए हैं, आप अगर चाहें तो घी में भी बना सकती हैं, लेकिन हम सरसों के ऑयल में ही बनाएंगे। और 1 बड़े साइज के शिमला मिर्च को इस तरह से हमने काट लिया है, 3 हरी मिर्च है जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती है। और हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गरम हो गया है, इसमें हम ऑयल डालते हैं। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे, तो थोड़ा तेल ज़्यादा ही ले रहे हैं क्योंकि फ्राई करना है पनीर को। तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे फ्राई करते हुए। तो देखिए हमने इस तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है पनीर को। अब हम तेल थोड़ा ज़्यादा था, हमने तेल निकाल दिया है, जितना हमको सब्जी में चाहिए उतना हम इसमें 3 बड़े चम्मच तेल होंगे इसी तेल में हम बनाएंगे। आप अगर चाहिए तो घी में बना सकती हैं, लेकिन टेस्ट इसी में आता है। हम अब तड़का लगाते हैं गोल मिर्च, इलायची, जीरा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टकता है। इसमें हम ये प्याज जो कद्दूकस करके डाल रखे थे वो डाल दिए हैं। इसको थोड़ा चला लेते हैं, उसके बाद इसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे। इस तरह से डालिए तेज़पत्ता तो स्वाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसी में हम डाल देंगे
लहसुन और मिर्च का पेस्ट एक चम्मच, और थोड़ा सा और बड़े चम्मच से एक चम्मच। इसको अब हम भूनेंगे अच्छे से। प्याज भी जब तक भून ना जाए और एक लहसुन का कच्चापन निकल जाए, इसके लिए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है। तो देखिए इसे 5 मिनट अभी हुआ है, अभी और ये भुनाएगा। तो इसी में हम शिमला मिर्च डाल देते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च हमने फ्राई नहीं किया था। आप अगर चाहे तो इसे पनीर के बाद फ्राई कर सकती हैं, लेकिन हमने इस तरह से डाला है। तो इसे हम अभी और 5 मिनट भुनेंगे। तो देखिए इसे 5 मिनट हो गया है भूनते हुए। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन भी हो गया है और शिमला मिर्च भी फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च 3। आप अगर चाहें तो डालिए, इच्छा ना हो तो मत डालिए, कोई बात नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे सूखा मसाला 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर। इसको हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जिसे हमने कद्दूकस करके रखा है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला तेल से अलग ना हो जाए, तब तक इसे ढक कर हम चलाते हुए भून लेंगे। नमक डाल देते हैं, जिससे स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। जिससे टमाटर अच्छे से पक जाएगा। फ्लेम को हमने हाई रखा है। आप अगर चाहे तो मीडियम कर सकती हैं और ढककर धीरे धीरे से पका लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, इसे भूनते हुए हमें 10 से 15 मिनट हो गया है। देखिए मसाले से तेल छोड़ दिया है। तो देखिए अच्छे से मसाला भुना गया है। आपका अगर तले में लग रहा हो तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकती हैं। अच्छे से भूनना है, इस तरह से भून लें। उसके बाद हम अब इसमें डालेंगे सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ा इस तरह से आ रहा है। तो आप पनीर इसमें डाल देते हैं। इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से। अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि मसाला पनीर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से मिला लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे काजू का पेस्ट। आपके अगर पास क्रीम है तो क्रीम ही डाल लीजिए, एक कटोरी, छोटा कटोरी से।
हमारे पास क्रीम बहुत कम था, इसलिए हमने काजू का भी पेस्ट बना लिया था। इससे स्वाद दो गुना बढ़ जाता है हांडी पनीर का। अब इसमें दो चम्मच जो क्रीम है वो भी हम डाल देते हैं। ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, समय ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। एक बार इस तरह से बनाकर खाइएगा, विश्वास कीजिए आप रेस्टोरेंट का हांडी पनीर भूल जाइएगा खाना, घर में ही बनाकर खाइएगा हर बार। अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम ग्रेवी रखना है तो पानी डालिए, अगर ऐसे ही खाना है तो ऐसे ही बना लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ग्रेवी हम डालेंगे। सॉरी, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डालना है। कस्तूरी मेथी डालने से स्वाद और अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, है तो ज़रूर डालिए। अब इसमें हम एक गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। आपको जितना ग्रेवी चाहिए, सूखा चाहिए, जिस तरह से बनाना हो, थोड़ा सा हम हल्का ग्रेवी रखेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसे हम 2 से 3 मिनट बस उबाल लेंगे, उसके बाद हमारा हांडी पनीर तैयार हो जाएगा बनकर। तो हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक।